नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, यूएई की फर्म एज ग्रुप अब भारत में यूएवी का उत्पादन करने जा रही है, यानी कि अब उनके द्वारा बनाए गए जो यूएवी है उनका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। दरअसल एज ग्रुप के पास एक जबरदस्त पोर्टफोलियो है 20 ड्रोन्स और यूएवी का, जिन्हें वो भारत में भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर बनाना चाहता है। और अगर मैं बात करूँ एज ग्रुप की यूएवी की, तो उसमें रिच एम फिक्स्ड विंग मेल यूएवी भी आता है, जिसकी पेशकश उन्होंने भारत के लिए की है। रिच एम की बात की जाए तो ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल यूएवी है, जिसका इस्तेमाल खुफिया निगरानी और टोई मिशनों के साथ साथ जमीनी हमले के लिए ऑपरेट किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, ये जो रिच एम यूएवी है वो युद्ध क्षेत्र की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। और एज ग्रुप ने दोस्तों मेक इन इंडिया पहल के तहत इसकी पेशकश भारत को की है, और अगर ये डील हो जाती है तो ये भारत के लिए काफी फायदेमंद भी होगी, जिससे कि भारत को काफी बड़ा फायदा मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, लोकेश मशीन्स लिमिटेड को DPIIT के तहत लाइसेंस मिला है भारत सरकार के द्वारा, और ये ऑथराइजेशन कंपनी को 12.7 mm से लेकर 30 mm की कैलिबर वाली फिक्स्ड और टोही हैवी मशीन गन बनाने का अधिकार देता है। और ये लाइसेंस मिलना लोकेश मशीन्स लिमिटेड को भारत की रक्षा क्षमताओं और महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों में आत्मनिर्भरता में योगदान देने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। घरेलू स्तर पर भारी मशीन गन बनाने वाली कंपनी की क्षमता न केवल आयात पर निर्भरता को कम करेगी, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल और डेवलपमेंट और लोकल जॉब को भी यहां पर क्रिएट करेगी। और इन हथियारों का स्वदेशी रूप से उत्पादन करने से भारत की सैन्य तैयारियां बढ़ जाएंगी और भारतीय सेना को लगातार आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट खबर की तरफ। दोस्तों, DRDO ने अब भारतीय नौसेना के लिए एक जबरदस्त हथियार तैयार कर लिया है, जो कि 2 किलोवाट की डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, और इसका अब भारतीय नौसेना के 2 पोतों से परीक्षण भी पूरा कर लिया गया है, और इनको भारतीय नौसेना के जो फ्रंटलाइन वॉरशिप्स हैं उनमें इंटीग्रेट किया जाएगा। और DRDO अब इसकी क्षमता को 100 किलोवाट तक बढ़ाने जा रहा है, जो कि दुश्मनों के छोटे कैलिबर मोर्टार्स और रॉकेट से लेकर UAVs को भी बेअसर कर सकता है। ये प्रणाली सटीकता से लैस होगी और सैकड़ों मीटर से लेकर कई किलोमीटर की दूरी तक काम कर सकती है। आपको बता दें कि 2 किलोवाट का ये जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, इसने परीक्षण के दौरान पहले ही कई किलोमीटर की दूरी पर खतरों को बेअसर भी किया है। और अगर भारतीय नौसेना के लिए 100 किलोवाट का ये जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है वो तैयार हो जाता है, तो भारतीय नौसेना के जो अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत हैं उनकी क्षमता महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाएगी। इस तकनीक से दोस्तों जोखिम भी कम होगा और खतरे भी आसानी से बेअसर हो सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय स्टार्टअप कंपनी जनायुटेक ने अपने वराहा QRS यानी कि क्वालिटी रोबोटिक सिस्टम को तैयार किया है। और ये जो रोबोट है दोस्तों, ये 4 पैर वाला रोबोटिक सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल कई तरीके के मिशनों के लिए किया जा सकता है। ये कठोर इलाकों में आसानी से नेविगेट कर सकता है और भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर बन सकता है। और इसे विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण जो पर्यावरण परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इसमें एक एडवांस अवेयरनेस सिस्टम लगा है, जो कि इस रोबोट को अपने आसपास के वातावरण का प्रभावी ढंग से निरीक्षण करने और विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। QRS में दोस्तों एक ऑब्स्टेकल डिटेक्शन टेक्नोलॉजी लगी है और ये किसी भी तरीके की बाधाओं को पार कर सकता है। बता दें कि इसके कई फीचर्स हैं, जैसे कि ऑटोनॉमस और टेली ऑपरेटेड मोड्स, लाइन ऑफ साइट और बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। साथ ही ये जो रोबोट है वो स्वार्म टेक्नोलॉजी में भी काम कर सकता है, यानी कि एक साथ ये अन्य रोबोट्स के साथ समन्वय कर सकता है। इसके अलावा ये जो वराह QRS है वो ऑटोनॉमस इंटेलिजेंस भी लेस है। कहा जा रहा है कि निगरानी और कॉम्बैट ऑपरेशन के अलावा ये कई तरीके के मिशन भी कर सकता है, जैसे कि ये डिफेंस लॉजिस्टिक्स को भी आसानी से फॉरवर्ड एरिया में पहुंचा सकता है। बता दें कि ये 1,000 से 3,000 किलोग्राम के पेलोड ले जाने में सक्षम है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। MRFA टेंडर को लेकर दोस्तों अक्सर आपके मन में सवाल आता है कि ना जाने ये डील होगी या नहीं होगी, लेकिन दोस्तों अब इसे लेकर जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी एक बड़ी बात कह दी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स, उन्होंने फ्रांस के राफेल जेट को लेकर बड़ी बातें कही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि राफेल जैसे जो लाइसेंस के तहत फाइटर जेट्स का निर्माण अगर भारत में किया भी जाता है तो इससे भारतीय एरोस्पेस उद्योग को बहुत ही कम फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि MRFA टेंडर के तहत कोई भी विदेशी लड़ाकू विमान का स्थानीय निर्माण भारतीय उद्योगों को कुछ भी नहीं सिखाएगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पर भारत के 4.5 जनरेशन वाले तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की वकालत भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट पर भी भारत काम कर रहा है, जो कि इसका एक बड़ा संस्करण है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत का जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोग्राम है AMCA, भारत अगर इसे तैयार कर लेता है तो भारत उन्नत तकनीक रखने वाले जो मुट्ठी भर देश है उनके साथ लाइन में खड़ा हो सकता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि AMCA प्रोग्राम के लिए निजी क्षेत्र को डिफेंस कम प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर शामिल करना होगा, जिससे कि भारत का ये फाइटर जेट प्रोग्राम काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। यही नहीं, विशेषज्ञ कहते हैं कि TETBF प्रोग्राम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत को विदेशी फाइटर जेट खरीदने के बजाय अपने TETBF फाइटर जेट पर ही काम करना चाहिए। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को ऐसा फाइटर जेट बनाना होगा जो कि राफेल की क्षमताओं को टक्कर दे सके या फिर उससे आगे निकल सके। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने एक बात और महत्वपूर्ण बोली है कि राफेल में अगर आप $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो इसका मेन फायदा डेसॉल्ट को ही होगा, ना कि भारतीय कंपनियों को।
अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से डसॉल्ट को एक बड़ा फायदा हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना राफेल फाइटर जेट को चाहती है, लेकिन भारत को स्वदेशी विकल्पों पर ज्यादा फोकस करना होगा, टेडवीएफ और एएमसीए पर पूरा जोर लगाना होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इनकी बातों पर, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। हाल ही में दोस्तों चाइना ने अपने Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर को प्रदर्शित किया। ये 6 टन वजनी हेलीकॉप्टर है, हर मौसम में ये आसानी से उड़ान भर सकता है। चाइना इसे मल्टीपर्पज मीडियम अटैक हेलीकॉप्टर कहता है। जल्द ही ये हेलीकॉप्टर अब पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा और ये हेलीकॉप्टर एंटी टैंक वॉरफेयर और एयर टू एयर कॉम्बैट के हिसाब से डिजाइन किया गया, यानी कि इसका इस्तेमाल कई तरीके के ऑपरेशंस में किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर की स्पीड की बात की जाए तो ये 259 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है और ये 4400 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। रेंज की बात की जाए तो इस हेलीकॉप्टर की रेंज 855 किलोमीटर है और ये 3.5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में 1500 हॉर्स पावर का इंजन लगा है। यही नहीं, इस हेलीकॉप्टर की सुरक्षा के लिए इसके फ्यूजलाज और कॉकपिट के चारों तरफ अतिरिक्त जो आर्मर्ड है वो लगाए गए हैं, यानी कि छोटे हथियारों की फायरिंग का असर इसमें नहीं होगा। इस हेलीकॉप्टर में इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट अलार्म्स, लेजर काउंटर मेजर्स, इंफ्रारेड जैमिंग सिस्टम और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी इंटीग्रेट किया गया है। इस हेलीकॉप्टर में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग पॉड भी लगाया जा सकता है ताकि इस हेलीकॉप्टर को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने में मदद मिल सके। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, पाकिस्तान इस हेलीकॉप्टर को भारत की सीमा पर तैनात करेगा, लेकिन दोस्तों चाइना का हेलीकॉप्टर कितना कारगर है ये तो जंग के टाइम पर ही पता चल पाएगा। चाइना के हथियारों से वैसे भी पाकिस्तान परेशान हो चुका है, लेकिन अगर उसे आदत पड़ चुकी है चाइना के साथ डिफेंस कोलैबोरेशन करने की तो इसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, इसराइल की तर्ज पर अब भारतीय सेना भी हाइब्रिड होने वाली है। सीडीएस अनिल चौहान ने इस पर एक बड़ी बात कही है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय सेना भी हाइब्रिड वॉरफेयर को लेकर काफी एक्टिव हो चुकी है, जिसके लिए अब सैनिकों को अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए एक नया जो पाठ्यक्रम है वो शुरू किया जा रहा है और यही नहीं, उन्होंने कहा कि अब हम कुछ नया करने जा रहे हैं। दोस्तों जिस तरीके से युद्ध का सिनेरियो बदला है, चाहे वो ड्रोन हो या साइबर अटैक हो, उसे लेकर अब भारतीय सेना काफी एक्टिव हो चुकी है और हाइब्रिड वॉरफेयर की तैयारी कर रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, चेन्नई स्थित बिग बैंग बूम सॉल्यूशन ने अपना वज्र शॉट का अनावरण किया और ये एक जबरदस्त हैंड होल्ड एंटी ड्रोन जैमर है। इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में मैंने एक रिपोर्ट कवर कर रखी है। हमारी वज्रा शॉट गन है, ये जो गन है वज्रा शॉट, ये हमें 2 किलोमीटर तक कोई भी ड्रोन अगर हमारे 2 किलोमीटर के आसपास है, हम उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको जैम करके नीचे गिराते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो, इस वज्रा शॉट के अंदर 6 चैनल होते हैं। 6 चैनल का मतलब है कि आप 400 MHz से लेके 6 GHz तक की फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर कोई भी ड्रोन ऑपरेट कर रहा है तो हम उसको 2 किलोमीटर तक नीचे गिरा सकते हैं। लगातार जैमिंग 4 घंटे कर सकते हो और लगातार डिटेक्शन 8 घंटे कर सकते हो। ये सारे इसमें फीचर्स हैं कि इसमें होता क्या है, अगर आप आगे की तरफ देखोगे तो इसमें बीम निकलता है 45 डिग्री का, तो ये बीम आगे जाके बड़ा हो जाता है, तो इस बीम के अंदर जो भी ड्रोन होगा वो फोर्स टू लैंड हो जाएगा। सर एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि कितने लोग इसको हैंडल, इसके एक यूनिट में कितने सबसिस्टम्स होते हैं और कितने जो आर्मर पर्सन हैं वो इसको कैरी करते हैं एक यूनिट को? एक यूनिट को सिर्फ एक, जैसे ये 2.5 किलो की गन है तो इसमें इसका ज़्यादा वेट नहीं है। इसमें 2 बैटरी के पैक आते हैं जो आपके यहाँ पे जैकेट में लग जाते हैं और ये जो गन है ये बहुत ही लाइट वेट, मोस्ट लाइट वेट गन बनाई हुई गई है। इसमें फाइबर भी बहुत अच्छा, रगेड फाइबर यूज, मिलिट्री ग्रेड का फाइबर यूज़ किया गया। ग्रिप भी अच्छी है? हाँ, ग्रिप अच्छी है, सब कुछ अच्छा है सर। और ये इलेक्ट्रॉनिक गन है सर, तो इसमें अगर आप नीचे की तरफ देखो ये ट्रिगर है सर, इस ट्रिगर को जैसे हम दबाते हैं वैसे ही हमारा जैमर स्टार्ट होके उस ड्रोन को ब्लाइंड कर देता है, ड्रोन को अंधा कर देता है, तो ड्रोन किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता कि कहाँ जाना है कहाँ आना है। तो जब उसको वो अंधा हो गया है ड्रोन वहाँ पे बिना कम्युनिकेशन के, तो वो वैसे ही नीचे बैठना स्टार्ट कर देता है सर। एक चीज़ और पूछनी है सर, जिस तरीके से आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा क्रेज हो रहा है डिफेंस सेक्टर में, तो खास करके क्या ये AI इनेबल? जी, ये AI इनेबल गन है, जो डिटेक्शन होती है वो AI इनेबल होती है सर। अभी जब डिटेक्शन होती है तो अभी ड्रोन डिटेक्शन के साथ साथ होता क्या है, ड्रोन में क्लासिफिकेशन होती है कि वो ड्रोन कौन सा है, किस प्रोटोकॉल पे फ्लाई कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी पे वो फ्लाई कर रहा है। तो फिलहाल ये था अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।